हमारी नींदें पूरी ना ख्वाब पूरे हैं, अधूरे लोग हैं लेकिन अजाब पूरे हैं। मसीह यीशु के अजीम बाबर के जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ नामा देखने वालों को मेरा सलाम। मेरा नाम बाबर इमैनुएल है और ये जो शेर अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है इसके पीछे इसकी जो पूरी तशरीह है वो इस तरह से है कि अधूरे लोग एक फिल्म का नाम है जो कि रोशन प्रोडक्शंस के बैनर तले ज़ेर तकमील है। इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं परवेज़ रोशन, प्रोड्यूसर हैं अयूब गुलाम और एसोसिएट हैं रुबाब, जिनका ताल्लुक रोमानिया से है। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं हॉलीवुड के माया नाज डायरेक्टर टॉनी बॉलेंटन और उनको एसोसिएट कर रहे हैं मैक्स एंथनी। इसकी कास्टिंग बहुत शानदार है, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। ये फिल्म अपनी तकमील के आखिरी मराहल में है और ये नेटफ्लिक्स पर पेश की जाएगी। इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा और इसका जो मेन थीम है वो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस फिल्म में दिखाया गया है कि पाकिस्तान का जो आईन है जो इजाज़त नहीं देता कि कोई भी दूसरी कम्यूनिटी, मुस्लिम्स के अलावा क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, जो यहाँ पर बसते हैं, उनको कोई भी ओहदा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस का नहीं दिया जाता। ये आईन में है और इस फिल्म में इन्हीं को ही डिस्कस किया गया है, इसी के बारे में बताया गया है कि पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी बस रही है उनके किस तरह से हालात हैं। आपने रिसेंटली जड़ावाला को देखा, शांति नगर को देखा, उन सब की इसमें अकासी की गई है। इसको प्रोड्यूस, इसको डायरेक्ट किया गया है और एफसी कॉलेज के हवाले से मैं बताता चलूं कि एफसी कॉलेज जो पाकिस्तान के पायनियर एजुकेशन के हवाले से एक बड़ा नाम है, वहाँ से जितने भी कई नाम बड़े नाम जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स इसी कॉलेज में जरे तालीम रहे और बाद में उन्होंने मुल्क और कौम की खिदमत की, जिनमें प्राइम मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब, बाद में वो सूबा पंजाब के भी चीफ मिनिस्टर रहे और एक बड़ा नाम बहुत काबिल एहतराम सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब, वो भी इसी कॉलेज में ज़ेर तालीम रहे और बाद में उन्होंने मुल्क को कौम और फ़ौज की खिदमत को बखूबी सर अंजाम दिया। और चीफ जस्टिस एआर कर्नेलियस जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में एक बड़ा नाम है, जिनका माजी बेदाग है और आज भी उनके नाम से फ्लैटिस में एक कमरा मखसूस है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी आयाम भी वहीं पर बसर किए। और जब इस फिल्म की प्रमोशन के लिए इन्होंने एक एरिया, एक जगह का इंतखाब करना था जहाँ पर इस फिल्म को हम इसकी तकरीब की जाए, इस फिल्म के हवाले से बताया जाए, वहाँ पर इनकी सारी कास्टिंग प्रोडक्शन टीम भी वहाँ पर मौजूद थी, उनके इंटरव्यूज़ अभी आप देखेंगे, तो उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर फ्लैटिस को उसका इंतखाब किया। उसकी वजह पीछे ये थी कि चीफ जस्टिस एआर कर्नेलियस की जो आखिरी आरामगाह के तौर पर जो कमरा मुख्तस किया गया हुआ है वो फ्लैटिस में है। उनकी ये खिदमात जितनी भी उन्होंने मुल्क और कौम के लिए की, उनको सराहते हुए उन्होंने एक कमरा उनके नाम से वहाँ पर मुख्तस किया हुआ है। और इस प्रोडक्शन टीम ने यही फैसला किया कि हम अपनी तकरीब को इसी जगह पर करेंगे ताकि मुल्क और कौम को, जिन्होंने अपनी सारी डिग्निटी के साथ वर्क किया, उनको खराज तहसीन है। मतलब मुख्तसर कहने का मतलब ये है कि एआर कर्नेलियस साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, उनकी खिदमात को सराहते हुए यहाँ पर उनके एजाज में इस सारी टीम की प्रोडक्शन ने इस हॉल का, फ्लैटिस का, फ्लैटिस होटल का इंतखाब किया। तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये फिल्म आपकी है। इस फिल्म में आप एक आम लोगों की अक्कासी है
कि किस तरह से वो पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियंस अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे इस फिल्म की सारी कास्टिंग को और उनके इंटरव्यूज़ को अभी आप देखेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए और ज़रूर फीडबैक में हमें बताइए कि ये किस तरह से आप इस फिल्म को देखना चाह रहे हैं और कितना आपको इंतज़ार है। हमारे I would request Ma'am Abdulla to have a word with us. दुनिया अच्छी लगती है रब अच्छा लगता है, दुनिया अच्छी लगती है रब अच्छा लगता है, अच्छी आंखों वालों को सब अच्छा लगता है। आधुनिक लोग टीम को बहुत बहुत मुबारक बात, क्योंकि जो अपने लिए हम काम करते हैं वो हम तक महदूद रह जाता है, लेकिन जो हम दूसरों के लिए काम करते हैं वो बहुत से लोगों तक पहुंचता है। और कैसा का एक और खूबसूरत शेर इसी हवाले से, खाली दुआ से क्या होता है, खाली दुआ से क्या होता है, अच्छा ख्याल दुआ होता है। और यही अच्छा ख्याल परवेज रोशन साहब और अधूरे टीम अधूरे लोग की टीम जो काम कर रहे हैं, और मुझे बड़ा पसंद है कि इस टीम के साथ मेरा बेटा जुड़े कैसे भी काम कर रहा है, और उसके वालिद भी इसी तरह अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम करते रहे हैं। और हर किसी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम इस दुनिया में आए हैं और जाने से पहले हमें एक एक जरूर ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारी कौम को या हमें भी याद रखा जाए, क्योंकि पैदा हो जाना ही कोई बात नहीं होती, पैदा होने के बाद जो आप अपना असल चेहरा बनाते हैं वो आपको अपने खुद बनाना चाहिए। ऐसा आप कहते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो ये खुदा ने हमें चेहरा दिया है, लेकिन जब हम मरते हैं तो जो चेहरा लेकर हम यहाँ से जाते हैं वो हमें खुद बनाया होता है। और चेहरा खूबसूरत होने का मतलब यही है कि हम अच्छे काम करें, हर किसी के लिए काम करें। और यहाँ बैठी हुई तमाम ऑडियंस के लिए मेरा एक शेर जो कि सबका लिखा हुआ है, अच्छे चेहरे भी दुआ होते हैं, अच्छे चेहरे भी दुआ होते हैं, अच्छे चेहरों की ज्यारत करना। और एक बार फिर मैं इस प्रोग्राम में जितने भी लोगों ने इस प्रोग्राम को तरतीब देने में मदद की और उन बच्चियों के लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इतना खूबसूरत प्ले पेश किया और हमें बिल्कुल जीवन के जमाने में पहुँचा दिया, और उसकी टीचर के लिए भी बहुत शुक्रिया। और जो हमारी कंपनी है इतनी खूबसूरत उनकी कंपनी है, और आज आप सब गौरव है कि आपने भी इनके साथ मिलकर काम करना है। मैं सी पीपल स्कूल चलाती हूँ जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए जो घरों में फैक्ट्रीज में काम करते हैं और फोर टू सेवन होता है, तो ये मुझे पार्क में हम स्कूल ये चलाते हैं और हमारे पास 50 बच्चे हैं और इसमें बिना तफरी सबको पढ़ाया जाता है। सबका एक शेर है, मेरा मतलब है मोहब्बत करना, मेरा मतलब है मोहब्बत करना, ए खुदा मेरी हिफाजत करना। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे थोड़े वक्त के लिए आज की इस अंजीर की औलादी की ब्लेसिंग के लिए हम मुख्तसर से दुआ करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हम तुझे
मुझे जीवन के तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करे और तुझे अपना जात की नमाने आज के कलाम के वसीला से हम सब को बरकत दे मांगते हैं यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू पास्टर जी। आप सब लोग देख रहे होंगे कि अभी होटल इंतजामिया ने खाना लगाना शुरू किया और नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द कंक्लूडिंग मोमेंट्स ऑफ द सेरेमनी। हम इसको क्लोज करने जाना पड़ेंगे। कुछ शख्सियात हमारे पास मौजूद हैं, मैं हमको जरूर अगर मैं नॉट रॉन्ग मैं गलती पर ना हूँ तो इतना बड़ा लिटरेरी नाम अदब के अंदर जो यहाँ पर अदब के पाकिस्तान में इससे बड़ा नाम आज तक पैदा नहीं हुआ जितना बड़ा नाम आज हमारे घर में बैठा हुआ है। आप सबकी तालियों की गूंज में द वन एंड ओनली नज़ीर कैसर साहब। मैं चाहूंगा कि हमारे ऑनरेबल गेस्ट अली जनाब नज़ीर कैसर साहब आज प्रोग्राम के वस्ते से हम सब के साथ मुख्तसर वक्त के लिए बात करें। सर बहुत शुक्रिया सर साहब। इस वक्त टाइम बहुत ज्यादा हो गया लेकिन दो चार मैं बुनियादी बातें करना चाहता हूँ कि फिल्म क्या है। फिल्म तमाम जितने भी आर्ट्स के शोबे हैं उनका मजमुआ है। फिल्म से बड़ा मीडियम कोई नहीं है। फिल्म में ड्रामा भी शामिल है, मौसीकी भी शामिल है, थिएटर भी शामिल है, फिक्शन भी, शायरी भी, तमाम जितने भी आर्ट्स हैं वो फिल्म में शामिल है। तो फिल्म को हम कह सकते हैं कि मुकम्मल एक आर्ट्स का कम्बिनेशन है और अधूरा होना ये बहुत बड़ी बात है। यीशु ने कहा था कि अपने आसमानी बाप की तरह कामिल होगा। कामिल होने का मतलब है कि आप अधूरे हैं। जब तक हम ये नहीं मानते कि हम नामुकम्मल हैं तो मुकम्मल होने की कोशिश नहीं करते। तो हमें मुकम्मल होने का मतलब ये है कि आपका दिल जो है उसकी धड़कन आपके दिमाग में शामिल हो जाए। जो कौमें अपने दिल से सोचना शुरू करती हैं और अपना दिमाग उनका धड़कना शुरू होता है दिल की तरह वो कौमें जिंदा होती हैं। हमारा इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख में एजुकेशन के अपने मेडिकल में पहला कॉलेज हमने दुनिया में यहाँ बनाया, पहला प्रेस हमने प्रिंटिंग प्रेस हमने दिया, मेडिकल बड़े बड़े हॉस्पिटल हमने बनाए, यहाँ तक के सड़कें हमने बनाई, लेकिन आज तक कोई बड़ी किताब नहीं लिखी। अब मैं समझता हूँ श्री रजा बहुत बड़ा सुख है फिल्म का भी वैसे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो मेहदी हसन, हम ये नहीं कह सकते कि वो उस्ताद सलामत अली खान। तो आर्ट में हमने क्यों बड़े लोग कह रखे। फिल्म में नीलो है, इंडिया में देवर धवन और बहुत से लोग हैं, जैकी श्रॉफ है। तो यहां पर हमने अभी तक फिल्म में
म्यूजिक में, शायरी में कोई बड़ा पता पैदा नहीं किया। हालांकि हमने एजुकेशन एजुकेशन भी जो है वो आर्ट्स है। कमर रोज यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी सलाम करता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी शायरी की है, पर्चा भी निकाला और भी लोग हैं। तो लेकिन हमें उस अधूरेपन को मुकम्मल करना है जो आर्ट्स में अभी तक शामिल नहीं है। खुदा यीशु मसीह की जितनी बातें हैं वो शायरी, चश्मों का जिक्र है, परिंदों का जिक्र है, बादलों का जिक्र है, जैतून के बागों का जिक्र है। तो जो बाग हम बाहर देखते हैं वो हमारे अंदर भी होता है, लेकिन हम उस बाग को काट डालते हैं। और शायरी क्या है? खुदा यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों की है। शायरी जो है वो बच्चों की बादशाह है। अगर आसमान की शायरी में बच्चे दाखिल होंगे तो शायरी और आर्ट्स की दुनिया में भी सिर्फ बच्चे दाखिल हो सकते हैं। बच्चे क्यों दाखिल हो सकते? बच्चों को यीशु ने पसंद क्यों किया? क्योंकि हमारी आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, हमारे हाथ बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन बच्चों की आंखें हमेशा नई रहती हैं। बच्चों का माजी कोई नहीं होता, सिर्फ मुस्तकबिल होता है। हमारा माजी होता है, हम उसी में जिंदा रहते हैं। बच्चों का माजी नहीं होता, वो मुस्तकबिल की तरफ जाते हैं। तो इसलिए दुनिया कभी पुरानी नहीं होती, हमारे आंखें पुरानी हो जाती है। दुनिया बुरी नहीं होती, हम बुरे हो जाते हैं। इसलिए अपने अंदर बच्चे को जिंदा रखिएगा, बच्चे की आंखों से दुनिया को देखिएगा, बच्चे के हाथों से दुनिया को टच कीजिएगा। और बच्चे के छोटे छोटे कदमों से जब आप चलना सीख जाते हैं तो फिर आप अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। तो मैं बहुत खुश हुआ जहां आके इतने खूबसूरत लोग, इतने अच्छे लोग इल्म अदब की तरफ रास्ता बनाते हुए। तो मेरा एक शेर है कि जिंदगी रास्ता नहीं देती, रास्ता खुद बनाना पड़ता है। दिया मिट्टी का हो या सोने का, उसका शोला दिखाना पड़ता है। मिट्टी का चिराग हो या सोने का, जब तक आप दिया सलाई से या बैटरी से उसको जलाएंगे नहीं तो वो रोशन नहीं होता। तो आज जो चिराग आप लोगों ने रोशन किया है, उसकी रोशनी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इंसान का सबसे बड़ा काम यह है कि दुनिया को खूबसूरत बना दे। जब आप दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं तो आपका अपना चेहरा भी खूबसूरत हो जाता है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। थैंक यू वेरी मच सर। ये कैसा था आपके इस खूबसूरत जज्बात का हम एहतराम करते हैं। मिशेल आदर के लिए आपके हम को अभी मैं जल्दी से आने वाले 5-7 मिनट के अंदर वाइंड अप करेंगे, क्योंकि खाना लग चुका है। हमारे पास आज की जो ऑनरेबल गेस्ट स्पीकर्स है, हमारे आज के आखिरी मेहमान किसी ताल्लुक के मेहमान मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के मसीही कुफ़ के ऊपर एक बड़ा नाम, अदब के ऊपर अंदर एक बड़ा नाम, हाफ़िज़ उनके नाम से वाकिफ है जनाब डॉक्टर कमल फैरोज साहब। डॉक्टर कमल फैरोज साहब को मान लेने के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा। हम राम लाहौर से हैं, सामने तशरीफ लाइए। चले तो
हवाओं कैसा है, रुके तो क्या चले तो हवाओं कैसा है, वो शख्स धूप में देखो तो छाओ कैसा है। बिना काफी के रोशन हो आप बार अधूरे लोगों की तो गांव के सुरसी ने कहा था कि मेरे पास मैं तुम्हें काम करूं, जिस तरह मेरा बाप काम है तुम भी काम करो। तो हमें ये जब मसीहत को खुदा को कबूल करती है और उसके रास्ते पर चलती है तो हम अधूरे नहीं रह जाते। और जो दौड़ के कारण ये दौड़ तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगा तो मैंने भी अपने बच्चों के बच्चे देखे। इस वक्त मैं एक फाइव पूरे और उदाहरण तक मुझे सिर्फ और मजबूती के साथ इतनी अच्छी और कभी और मैं सभी दोस्तों मुझे अपनों के पाकिस्तान दिया उसके साथ हॉर्वर्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी में मुझ पर प्रोफेसर और ये मुझे जिंदगी में ये बरकतें भी ये कम लोगों के नसीब होता है उनकी जिंदगी में उनको माना जाए और सराहा मेरे और नजीर कैसे के अलावा इस बड़े मुकाम पर कोई और दूसरा नहीं हम तक निहायत करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये सारी अब के हवाले से जिन्होंने इंडस्ट्री में मोशी और इसी तरह हमारे गुरुकारों में जब पाकिस्तान बना है उसमें दो बड़े गुरुकारों नाम थे सलीम मिर्जा और आयरन पजी बड़े नाम जो लोग फिल्मी शायरी इकदार में उन्हें और उन्होंने और नीलू आज भी मैं जब कब्रिस्तान जाता हूँ तो सराहता हूँ कि नीलू वहाँ और अगर कि उसने एक दूसरे से शादी की है कि उन्होंने अपना जीवन का उसी अपने में की है कि अगर कोई खातू जिसके साथ कोई मुसलमान शादी करता है तो वो अपने दीन पर रहना चाहे तो रह सकती है। ये इस्लाम में गुंजाइश है कि अपने हम इलामी मजहब से कोई भी तरह तो लियो ने आखिरी वक्त तक मसीहत को नहीं कर दिया आपके वास्तवियों के लिए बताऊं थोड़ा क्लोज कर दे मेरी जरूरत नहीं है जो हालात है जो वक्त है अलग रख चुके हैं मखसूस टाइम है हमें उसको भी देखना है। इसलिए आपकी बातें कमल क्लोज साहब की बातें नजीर कैफ साहब की बातें तो हमारा दिल करता है कि हम
लाखों लाख सुनते रहे, घंटों सुनते रहे, हमारे लिए ये बड़े लाभ की बात है। बट हमारी अभी शक्ति मेरी मजबूरी है, हम इसको पूर्ण करना चाहते हैं। मैं जल्दी से अब आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ूंगा, उसके बाद फिर हम खाली बढ़ेंगे। हमारे पास जो हमारी टीम है, मैं उनको बुलाऊंगा जल्दी से, जो अधूरे लोगों की टीम है। मैं अलजीर कैसर साहब आपको ये बताता चलूं कि द आइडिया ऑफ द फिल्म अधूरे लोग हैज जनरली बीन कॉन्सेप्टुलाइज्ड बाय मिस्टर परवेज रोशन। मैं परवेज रोशन साहब की नजर एक शेयर करना चाहूंगा। वो इज नॉट फिजिकली विद अस, बट ही इज ऑनलाइन विद अस, और वो हमें इस पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अंग्रेजी अदब से मेरा ताल्लुक है, अंग्रेजी में एक बड़ा बड़ा नाम शायरी में 1930 का बड़ा शायर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, स्टॉपिंग बाय गो जो स्टोरी लिखी, उसकी शोर है आप नजर, उसका अखियर ने बड़ा ताला है, हमेशा अपने प्यारों के नाम डेडिकेट करता हूँ। आज ये शेर मैं परवेज रोशन साहब के नाम कर रहा हूँ। Woods are lovely, dark and deep. Woods are lovely, dark and deep, but I have many promises to keep and miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. On behalf of my elder brother, Mr. Parvez Roshan, I would just extend my feelings to all of you regarding the movie Adhoore Log. I personally believe that this movie is going to be a landmark, a milestone in the history of the minorities in Pakistan and all over the world. It is genuinely going to transform the art and the literature existing in the subcontinent and all around the world. The theme and the story and the subject and the characters are extremely marvelous and mind-blowing, and once it will be on air, the people will definitely enjoy it, and the community and the world will cherish the characters and the story of this particular movie. ये पाकिस्तान की तारीख में एक संगमरमर की हैसियत रखेगी, और ये पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर मसीही कौम की जो अदब के अंदर खिदमात है उनको ये ट्रांसफॉर्म करेगी, और उनके लिए ये एक चमकदार सितारा होगी। और बिल्कुल जैसे कैसे साहब ने और मेरे साहब ने फरमाया, लिटरेचर के अंदर पाकिस्तान के चंद एक बड़े नाम हैं आर्ट के अंदर, लेकिन इतना बड़ा काम शायद आज तक पाकिस्तान की तारीख 75 साल तारीख में नहीं हुआ, इतना बड़ा काम इस वक्त परवेज रोशन साहब और उनकी टीम आप सब लोगों के नाम से हम करने जा रहे हैं। और we definitely need the guidance from such legendary persons like Zee Kaiser Saab and Kamal Kharoor Saab and all other such people who have contributed in the field of art and literature. We will always be seeking guidelines from all these personalities, and we need your prayers and blessings to accomplish this legendary project. मैं अपनी इस टीम के जो किरदार हैं उनको वन बाय वन स्टेज पर बुलाऊंगा, आप प्लीज आते जाइए। सबसे पहले मैं अपनी टीम की बेटी जो रोल कर रही है मीरा, उनको दावत करते हैं स्टेज पर। मीरा चल रहा है, ठीक है। मीरा विजय
ओके उसके बाद मिस्टर हारू आप पूछ रहे हैं और मैं जब इस फिल्म के किरदारों को बनाता हूँ तो आपके हारू को नंबर ही होना चाहिए ताली से देते हूँ मिस्टर जुनेर क्या सर मिस्टर आमिर कोशी आदम कोशी मैं फिल्मों से ओके कैसे हमारी हो कैसे हमारी है मीरा वानिया प्लीज कम ऑन द स्टेज बहुत से भी यहाँ से मारियो मिस्टर मारियो है प्लीज कम ऑन द स्टेज फिजान असलम है फिजान असलम साहब है उसके बाद हारून कैसे सोया साहब शकूर नूर साहब कैसा बात से शकूर नूर साहब रजिया हारू साहब सना सलमान जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं है और इसके साथ सलमान साहब सलमान शौकत कासिम सलीम आपका भी आ जाइए सलमान भाई ये है हमारी अधूरे लोगों की टीम अगर मैं कोई नाम मिस कर रहा हूँ कोई है यहाँ पर तो मैं जुनैना आलम साहिबा और सफीरा आलम साहिबा आप भी देख ला लीजिए कोशिश करेंगे पासवर्ड साहब आप सबके गले में एक एक माला डाल देंगे अपनी पूरी टीम के गले में माला डालेंगे हम तो ये वो लोग हैं who are going to create a history in Pakistan ये तारीख बदलने वाले लोग हैं इस वक्त जो आपके सामने खड़े हैं और ये पूरी दुनिया में जाकर they will shoot all the film इसकी शूटिंग है वो यूरोप में अमेरिका में कनाडा में और पेरिस में होगी और ये हमारी टीम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर वहां पर शूट करेगी थैंक यू वेरी मच सर आप जो मीडिया के लोग हैं हमारी टीम की फोटोग्राफी मुकम्मल करते हैं तो फिर हम अपनी टीम को इजाजत देंगे एक हमारी बेटी ने स्पीच करनी है और शी विल कम ओवर हियर गानिया जो हमारी इस फिल्म के अंदर अपनी रोल प्ले करेगी शी इज going to have some word with us. Hello everyone. Thank you all for your presence. My name is Tanya Hanum. And I just want to thank Kirby Zekar for giving me this amazing opportunity. And thank you so much for casting me in this movie, Adhoore Log. And I just want to special thanks to my dad. हमारे पास इस टीम के साथ
जो कुछ खास हमारे दो लोग हैं, मैम सफीरा आजम जो के हम इस वक्त जीएनएन के साथ एक बतौर हेड ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट काम कर रही हैं, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ जिले वुमा जो हम टीवी को इंटरनेशनली और उसके साथ काम करते हैं, हम उनके लिए भी थैंकफुल हैं। और मैं चाहूंगा कि वो एक एक मिनट के लिए दोनों आके बात करें, जस्ट फॉर वन मिनट। मैम जिले वुमा और मैम सफीरा सबसे अच्छी बात यह है कि जिस पर्पस के लिए उन्होंने ये फिल्म डिसाइड किए देने के लिए, वो आई थिंक बहुत एक अच्छा पर्पस है जो बहुत कम लोग इस पे बोलते हैं या कम लोग इसको दिखाते हैं। और आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे बच्चे जो हैं वो भी इसका पार्ट बने हैं और हमें भी मौका मिला इस चीज़ का। एंड थैंक यू सो मच। और मैं इस पूरी टीम को तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ और ऑल द वेरी बेस्ट। और आई होप कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये बहुत अच्छा निकल के आए और बहुत सारे लोगों को इसके बाद इस तरह की चीज़ें करने की हौसला अफजाई है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, सबसे पहले थैंक यू रोशन भाई का और दूसरा हमारे जो भाई हैं जो ओवरसीज में हैं जो भी कर रही हैं। तो मुझे इस इंडस्ट्री से 3 ईयर हो गए हैं मुंसलिक हुए, तो हमारी अपनी बच्चियां भी हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ है जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें माशाल्लाह हो रही हैं। और थैंक यू इन सबका जो लोग यहाँ पे आए हैं और हमारी पूरी दुआएं बहुत बेस्ट विशेस है इन सबके साथ कि ये फिल्म जो भी बन रही है ये सुपर डुपर हिट है। थैंक यू। आप प्लीज आप तस्वीर होगी आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हम आपको इस काम के लिए ब्लेस करे। आमीन। आखिर में तो जो काम था वो एल्डर अयूब साहब की फैमिली के आदर है, हमने स्पेशल उनके लिए हाथ लाए और हमारे दरमियान दो गेस्ट हैं हफीज साहब और बैंक के मैनेजर साहब, ये भी प्लीज आ जाए। ये ह्यूमन के ट्रस्ट के लोग दोनों, ये बैंक के एक्सिस बैंक उनके मैनेजर जनरल मैनेजर और ये हमारे बहुत ही होनहार है तो ये मैं प्लीज जल्दी हाथ और अयूब साहब की फैमिली प्लीज आ जाए, हम उनको बहुत ही मौके के साथ जल्दी से आ जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। अब अयूब साहब की फैमिली आ जाए प्लीज, या उनके भाई जो आए हैं बापस सब आ जाए प्लीज। प्लीज जल्दी आ जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए प्लीज। ये हमारे मोहब्बत का और आपके जज्बे का ये हम आपको शुरू करते हैं, आप पूरी फैमिली के जज्बे के लिए जो वो अपने कौम के लिए रखते हैं जी, हम ये बहुत बड़े प्यार के साथ आपको ये हार पहना रहे हैं सर को प्रणाम सर। थैंक यू वेरी मच। मैं जल्दी से लास्ट पे महबूब गुलाम साहब से कहूंगा कि वो एक मिनट के लिए
अपने जवाब का वाक्य में हम आगे तो बढ़ते हैं। कृष्ण मैं बुलाना। थैंक यू वेरी मच दीपक का और उनकी सारी टीम का। ये बड़ा अच्छा एक ख्याल है जो ये एक फिल्म के जरिए लोगों में ये उजागर करना चाह रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे बिजनेसमैन, हमारे लोग अपनी जॉब पर, अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में काफी जगहों पे डिफेक्ट किए जाते हैं चीजों की वजह से। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले जरूरत है खुदा को जानने की। जब हम खुदा को और उसकी मोहब्बत को जानेंगे तो आप सदर मिस्टर अब्दुल नजू की तरह पूरी दुनिया बदल सकते हैं। और हमें जरूरत है कि हम सदर मिस्टर अब्दुल नजू की तरह अपने पांव पे खड़े हों और अपने खुदा को जाने। फिर अल्लाह का मतलब आपके कदमों में है, आप उनके कदमों में जाएंगे। खुद आप सबको खुश कर देंगे। आखिरी में मेरी बात वापस करूंगा आपको। क्रिसमस के रंग अधूरे लोगों के संग, ये था आज इस तकरीब का स्लोगन। आप सब लोगों का, मेरे तमाम आर्ट के, कल्चर के डिग्निटरीज का, मीडिया के लोगों का, साहिब गौरी साहब का खास तौर पर, और आप सब मेहमानों का, सिंध की टीम का, पास्टर मुर्तजा साहब का, मेरी यहाँ उन लोगों की सारी टीम का और उन तमाम मेहमानों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और विवाह मिस्टर टुवेज रोशन, I would like to extend my gratitude and thanks to all the guests of honor, the chief guests, and all the kids, and all the people who came over here to celebrate with us the festivity of the Christmas and the opening ceremony of the movie Adhoore Log. The food is ready. Please enjoy the food. The food is life's compass, and we will definitely get it. आप सबको एडवांस में हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आज इस मौका पे अपने सारे जितने क्रिश्चियन बहन भाई हैं, सबसे पहले तो उनको मेरी क्रिसमस मेरी तरफ से, और दूसरे नंबर पे मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ परवेज़ रोशन साहब का, जिनकी ये बहुत बड़ी काविश है। और इस पे बहुत सारे क्रिश्चियन ऐसे लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म मिला, और ये बहुत अच्छी स्टोरी है, और इंशाल्लाह ये मार्केट में आएगी और इससे हमारे क्रिश्चियन लोगों को एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा पूरी दुनिया के अंदर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कासिम सलीम है, और मेरे लिए ये बड़ी खुशनसीबी है कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो परवेज़ रोशन साहब ने स्टार्ट किया है, जिसमें हम अधूरे लोग जो हमारा टाइटल है फिल्म का, और जो अधूरे काम, जो अधूरे टैलेंट जो हमारा उस तरह से सामने नहीं आता, और जिस तरह हम लोगों को पीछे पीछे रखा जाता है, हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो ये जो फिल्म का मकसद है परवेज़ रोशन साहब का, ये बहुत बड़ा मुनफरिद मकसद है उनका, जो रूटीन से हटके है। और मेरी ये खुशनसीबी है कि मुझे उन्होंने एक लाइक समझा है कि मैं इस फिल्म का म्यूज़िक दे सकूं। जैसे आपने पहले भी, मैंने ऑलमोस्ट कुछ 300 से ज़्यादा गॉस्पल कॉम्पोजिशंस बनाई हैं, गीत लोग मेरे सुनते हैं, मेरे स्टूडेंट्स गा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक क्रिश्चियन होने के नाते ये फ़िल्म, क्योंकि क्रिश्चियन प्लेटफॉर्म से रिलीज़ होगी, तो जितने भी आने वाले इस प्रोडक्शन में काम करेंगे, एक्टर्स, सिंगर्स, वो भी ऑलमोस्ट सारे क्रिश्चियन ही होंगे। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की है, और बहुत सब ने, जितने भी सारे पार्टिसिपेट हमारे यहाँ पे हैं, काफ़ी लोग कुछ कह चुके हैं। सर, मैं दिल से रोशन साहब का और उनको मैरी क्रिसमस एडवांस में और हैप्पी न्यू ईयर, बहुत शुक्रिया प्रवीण साहब, थैंक यू वेरी मच। फिल्म अधूरे लोग, मेरी ये गुड लक है कि मैं इसके छोटा सा हिस्सा हूँ इस बहुत बड़े काम का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अधूरे लोग फिल्म जो है, ये स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी के, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए फ्रीडम का सबब होगा, और जो हमारे राइट्स हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये फिल्म बनेगी तो इसकी, इस काविश की वसीला से पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है
वो अपने बहुत सारे राइट्स जो है ना वो ले सकेगी। और मैं इस फिल्म के कायद परवेज रोशन साहब का, मैं अक्सर उनके लिए बारे में कहता हूँ कि वो परवेज रोशन नहीं बल्कि रोशन ख्याल है। और ये जो फिल्म बनने जा रही है ये पाकिस्तानी कौम के लिए, जैसे पहले कहा कि फ्रीडम का सबब होगी, तो एक शेर है, दे चला हूँ इन कलियों को अपने लहू का रंग, सदियों मुझे गुलशन की फिजा याद करेगी। और ये काम जो होने जा रहा है, ये पाकिस्तान में जो मसीहों की नस्लें हैं जो आज तक हर तरह की गुलामी में थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके वसीला से एक ज़बरदस्त जो है वो रिवाइवल आएगा। मैं हुज़ूरे हुमा, और आज हम लोग जैसे आप जानते हैं कि अधूरे लोग की जो है वो ओपनिंग सेरेमनी पे हैं हम हैं। और मैं बस यही कहूँगी कि जो इस प्रोडक्शन से, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने सारे लोग हैं, अयूब रोशन साहब हैं और बकाया और लोकल वेज रोशन साहब हैं, इस तरह और भी लोग हैं, उनको वेरी ऑल द वेरी बेस्ट। और इस तरह की आई थिंक इस तरह के सब्जेक्ट पे चीज़ें होती रहनी चाहिए, उस पर काम होते रहना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बात आगे नहीं पहुंचा सकते, जिनकी बात सुनी नहीं जाती, आई थिंक उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि इस तरह के जब प्रोजेक्ट आएंगे मार्केट में तो बाकी जो लोग हैं उनको भी बहुत सारी अप्रिसिएशन मिलेगी और लोग अपनी बात कह सकते हैं। और ये जो अधूरे लोगों वाला कॉन्सेप्ट है ये हमारा थोड़ा लोगों को आई एम श्योर समझ आएगा। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अधूरे लोग की टीम। आज बड़ा खूबसूरत दिन है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा आज एक माइनॉरिटीज़ के हवाले से एक फ़िल्म का आगाज़ हुआ जिसका नाम अधूरे लोग है। इस फिल्म को हमारे बहुत ही प्यारे भाई परवेज़ रोशन साहब ने कंसेप्चुलाइज किया है। इसका जो ख्याल है, इसकी जो सारी क्रिएशन है वो उन्हीं के तवस्सुत से है। उन्होंने ये बेहतर जाना कि आज तक पाकिस्तान में मसीहियों के कोर इश्यूज़ के ऊपर, मसीहियों की जो तारीख है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाई गई। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक डिफाइनिंग मोमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सो फार एज द माइनॉरिटीज़ आर कंसर्न्ड। तो ये एक तारीख साज लम्हा है, तारीख साज एक कदम है, और हम समझते हैं कि इससे पाकिस्तान के मसीही लोगों की पूरी दुनिया में एक इमेज को पेश किया जाएगा और उनके कंट्रीब्यूशन को दुनिया में अब पेश किया जाएगा जो आज से पहले उस तौर से पेश नहीं किया गया। तो इसलिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं इस सारी टीम के लिए, इस सारी फिल्म के मौजेदारान के लिए, जो जितने स्टेक होल्डर्स इसके लिए काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर परवेज रोशन साहब के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि 2024 के अवाइल में, इन द फर्स्ट मंथ ऑफ 2024, 2024 का जो पहला महीना होगा जनवरी, द शूटिंग विल प्रॉपरली स्टार्ट। कहते हैं कि जो भी काम करें अच्छा करें, और एक अच्छे नाम से लेकर, अच्छे काम से लेकर जिस काम का आगाज़ किया जाता है वो आपके सामने है। अधूरे लोग एक मूवी आ रही है जिसकी प्रोडक्शन, कास्ट और म्यूज़िक डायरेक्टर, राइटर सारे के सारे क्रिश्चियंस, और कुछ लोग हैं जो इस फिल्म में बतौर एज आ मुस्लिम लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कास्ट जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं। और रोशन प्रोडक्शन की तरफ से आज फ्लैटी के अंदर क्रिसमस सेलिब्रेशन का एहतमाम किया गया, जहाँ पर लोगों को खाना भी खिलाया गया, और यहाँ पर जो फिल्म की जो कास्ट है उनको यहाँ पर बुलाया गया। और फिल्म की कास्ट जो है उन्होंने यहाँ पर जो चीज़ें बयान की, जो बातें की, जिस मसाइल के ऊपर ये फ़िल्म बनने जा रही है, ये वो मसाइल हैं जो हमारे माइनॉरिटी के, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों में हैं, वहाँ पर वो मसाइल उनके सामने आते हैं। इसलिए इस मूवी का जो नाम है, फिल्म का जो नाम रखा गया अधूरे लोग, उसकी सारी जो कास्ट है वो सारे की सारी मूवी जो है पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में जाकर जब बनेगी, जब रिलीज़ होगी, तो जो असल मकसद है मूवी बनाने का वो सामने आएगा। मैं आपको यहाँ पर जितनी भी कास्ट है जिन्होंने यहाँ पर सेलिब्रेशन की, केक भी काटा गया और मैसेज भी दिया गया क्रिसमस के हवाले से, वो सारी तकरीब आपको साथ साथ दिखाएंगे नेशनल न्यूज़ के प्लेटफार्म पर। और हम अपने नेशनल न्यूज़ नामा की तरफ से परवेज़ रोशन की जो प्रोडक्शन है, अयूब साहब जो इसके प्रोड्यूसर हैं, उनको बेस्ट विशेज़ देते हैं
ताकि क्रिसमस के हवाले के जब इन्होंने आज ये ओपनिंग की है उस पर ये अच्छा रिस्पांस मिले इनको, मूवी जब बने और मसीह कौम के लिए बेहतर एक पैगाम लेकर सामने आए।